कर्नाटक से आता हूँ मैं और कर्नाटक के बारे में ही सवाल। कर्नाटक के कांग्रेस सरकार इस पर निर्भर है कि उन्होंने 5 गारंटी दिए हैं, 2000 रुपये महिलाओं को जाती है, ये सब गारंटी स्कीम्स फ्रीबीज आप कैसे देखते हैं मोदी जी? और इसमें खाली ये क्या इंडिया ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट कर सकती है ऐसी फ्रीबीज? कैन इंडिया अफोर्ड सच फ्रीबीज? और इस बार लोकसभा चुनाव में 1 लाख रुपये हर महिला को और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं, हाउ डू यू सी दिस? ऐसा है कि उनकी क्या मजबूरी है वो जाने, निराशा की गर्त में डूबे हुए राजनीतिक दल हाथ पैर मारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं मेरी बात बताता हूं, देखिए मुझे लंबे अरसे तक गुजरात में एक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला है और 10 साल से मुझे प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने काम करने का मौका दिया है। मेरा पास इतना लंबा अनुभव है और मेरा अनुभव है कि हमने कभी भी हमारे देश के नागरिकों के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने एक बार लाल किले से कहा कि भाई जो अफोर्ड कर सकते हो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए जिन्होंने गैस की सब्सिडी छोड़ दी, यानी मेरे देश के लोग, किसी समय हम साहब कहते थे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा खाना छोड़ो, खाना छोड़ा था, आज भी मेरा देश, मेरे देश के नागरिक हमसे ज्यादा देश को प्यार करते हैं, हमसे ज्यादा देश के लिए करने को तैयार है जी। हम कम से कम उनको कम न आके, अब देखिए कोविड के समय मैंने पार्लियामेंट में रिक्वेस्ट की सांसदों को कि भाई आपकी सैलरी छोड़ दीजिए। मेरे देश के सांसदों को कभी कभी लोग कान पकड़ते हैं कि तुम अपना तनख्वाह बढ़ा दें, मेरे देश के सांसदों ने अपनी सैलरी छोड़ दी थी। ये सारी चीजें हैं जो प्रेरणा देती हैं। गरीब की हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, इस देश के नागरिक की हैंड होल्डिंग चाहिए और हमारा मॉडल है देश के हर नागरिक को एम्पावर करना, गरीबों को विशेष रूप से एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। और देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आप सिस्टमेटिक जनता पर का बोझ कम करना है, सरकार का दायित्व है, ये कोई उपकार नहीं है, हमारा का दायित्व है, लेकिन उसके तरीके क्या? जैसे हमने जन औषधि केंद्र खोले, करीब 11,000 जन औषधि केंद्र खोले हैं और मैं 25,000 तक ले जाना चाहता हूं। जन औषधि केंद्र में करीब 2,000 दवाइयां मिलती हैं, करीब 300 से ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट मिलते हैं और 80% डिस्काउंट। मतलब आपके परिवार में बुजुर्ग हैं और आपके परिवार के बुजुर्ग को अगर महीने का 2,000-3,000 की दवाई लगती है तो मध्यम वर्ग के परिवार पर बहुत बड़ा बजट पर एक आज 80% डिस्काउंट हो गया तो उसको भी लगता है माँ बाप की सेवा करूंगा। अब देखिए बिजली बिल कम करने के लिए मैंने LED बल्ब योजना लाई। जो LED बल्ब कांग्रेस के जमाने में 400 रुपये मिलता था वो मेरे जमाने में 40 रुपये आ गया। LED बल्ब के कारण उसका 20-30% बिजली का बिल कम हो गया। और अभी मैं PM सूर्य घर योजना लेके आया हूँ, आप सोलर पैनल लगाइए, 0 बिजली बिल। इतना ही नहीं, आगे का कालखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का आने वाला है तो आप सोलर एनर्जी से अपने घर की बिजली का उपयोग करिए और आपके व्हीकल को भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग कर सकते हैं उसी से। इसका मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन भी 0 बजट वाला हो सकता है। अब ये एम्पावरमेंट भी है, एट द सेम टाइम उसके सर पर आर्थिक जो बोझ है वो कम करने का लगातार प्रयास। और इन सर प्रोजेक्ट का परिणाम क्या आया है? पहले गरीबी हटाओ के नारों पूरा 5 दशक तक सुने हैं, पहली बार देश सुन रहा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। ये एम्पावरमेंट से होता है। देश का सामान्य नागरिक बहुत सामर्थ्यवान है, मेरा देश के सामान्य नागरिक पर ज्यादा भरोसा है।